आपसे इंटरेक्शन करने का मौजूद किया। जाहिर सबसे पहले मैं उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने आज वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तकरीबन पिछले 3 डेकेड का हाईएस्ट टर्नआउट जो है आज श्रीनगर पीसी में उन्होंने वोटिंग के जरिए से हमें दिया है। साथ में मैं उन तमाम अफसरों का सिविल एज वेल एज सीएपीएफ पुलिस के जवान और अफसर उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम करके इस चैलेंजिंग टास्क को अंजाम दिया। ओवरऑल जो पोलिंग रही है वो पीसफुल रही है, कोई भी निगेटिव इवेंट नहीं हुआ है, इवन कैंपेनिंग के दरमियान भी नहीं और आज पोल डे था आज भी। तो मैं इसका पूरा जो श्रेय डेफिनेटली यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो पुलिस है, सीएपीएफ है, उनको देना था। आप सब जानते हैं पिछले 3-4 सालों से ओवरऑल एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट हुई है और उसी का नतीजा लोग जो है बढ़ चढ़ करके आज पोल के दिन वोटिंग में टर्नअप हुए। उन तमाम कैंडिडेट्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, नुक्कड़ कॉर्नर में लोगों को अपने अपने जो दलीलें हैं उससे अपील की। मोबिलाइजेशन में उनका भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है। जहां तक 5 बजे का जो पोल परसेंटेज है आप सब लोगों ने देखा होगा वो 36% है और 36% जो है 1989 के बाद का सेकंड हाईएस्ट है, 1989 के बाद का सेकंड हाईएस्ट जो हमने अचीव किया है वो 5 बजे अचीव किया है 36%। उससे पहले जो 1989 के बाद जो अलग अलग परसेंटेज रहा है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा, 2019 में 14.43% पोल परसेंटेज था, 2014 में मोबाइल पर भी किसी ने वीसी ऑन किया उससे चल रही है, 2014 में 25.86% था, 2009 में ऑलमोस्ट उतना ही 25.55% श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोल परसेंटेज रहा है, 2004 में यह 18.57% था, 1999 में 11.93% था, 1998 में 30.30.06 था, 30% जो वोटिंग हुई है 1998 में हुई है और उसको हमने 5 बजे ही क्रॉस कर दिया, 36% वोटिंग हुई है। जो हाईएस्ट वोट है वो है 1996 में पोल हुआ था, 1989 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, वो है 40.94। मोस्ट लाइकली हम जो एंड ऑफ द पोल जो स्टैटिस्टिक्स आता है जिसके लिए टाइम लगता है उसमें हो सकता है हम इस परसेंटेज को आइदर टच करें या क्रॉस करें। तो 1989 के बाद का आइदर इज सेकंड हाईएस्ट तो पोल परसेंटेज हाई है, लाइकली हो सकता है वो हाईएस्ट पोल परसेंटेज की हो। अब आप कह रहे होंगे कंफर्म स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं है, कंफर्म स्टैटिस्टिक्स बेसिकली 2135 पोलिंग स्टेशन से और 18 असेंबली सेगमेंट से, इन 18 असेंबली सेगमेंट्स और 2135 पोलिंग स्टेशन से डाटा आने में टाइम लगता है। रफली जो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पोल परसेंटेज रहे हैं नॉर्मली जो लास्ट 1 आवर का जो पोल परसेंटेज रहता है वो 3-4% रहता है। तो अगर 36% में मैं वो टेंटेटिव फिगर अगर ऐड करो, साथ में जो
फॉर्म 12C के जरिए से जो माइग्रेंट वोटिंग होती है, हमारे जो एप्टीट्यूड्स पर जो सर्विस वोटिंग होती है, वो अगर फिगर ऐड करूं तो डेफिनेटली लाइकली हो रहा है कि हम जो अब तक का 1989 के बाद का जो हाईएस्ट परसेंटेज है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, उसको आइदर टच करेंगे या एग्जैक्ट कंफर्मेशन जो है मैक्सिमम आपको एक घंटे के अंदर अंदर देने का हमारा प्रयास रहता है, उससे पहले लेकिन उससे आगे सुबह 7 बजे से पोल शुरू हुआ था और बहुत सारी जगह पर इवन 6 बजे भी पोलिंग चल रही थी। जहां जहां पोलिंग चल रही थी वहां वहां जब तक क्यू खत्म नहीं होती है तब तक वो चलती रही है और क्यू खत्म होने के बाद ही वहां वो पोल बंद होता है। इस टोटल प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए तकरीबन 8500 के करीब हमारे सिविल एम्प्लॉइज और उससे दुगना हमारे पुलिस एंड सीएपीएफ के एम्प्लॉइज ऑफिसर्स तैनात हुए थे, जिन्होंने पिछले 2 दिन से मतलब कल जब डिस्पैच सेंटर से वो डिस्पैच कर रहे पोलिंग स्टेशन को तब से और आज भी जो है उन्होंने पूरे संजीदगी से अपने ड्यूटी को अंजाम दिया। 24/7 हमारी कंट्रोल रूम चालू थी मेरे ऑफिस में भी और स्मार्ट सिटी का जो ICCHMT बेगना में बना है वहाँ जितने भी पोलिंग स्टेशन थे हर एक पोलिंग स्टेशन CCTV कैमरा में निगरानी में था। कोई भी किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे कि लाइकलीहुड लगता है कि कोई रिपोर्ट की जरूरत पड़े, लेकिन इस पर फाइनल से जो है कंसर्न ऑब्जर्वर रहते हैं। मैं जस्ट आपको टेंटेटिवली कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा वाकया नहीं रहा है कि जिससे कि हमें उसकी नौबत पड़े। जहां तक असेंबली सेगमेंट वाइज पोल परसेंटेज की बात है 5 बजे की कंफर्म फिगर मेरे पास है, आपको भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जस्ट मैं रिपीट करना चाहता हूँ कंगन में 55% पोल रहा है 5 बजे के एंड में। ये फिगर्स काइंडली नोट करें, ये एंड ऑफ द पोल फिगर नहीं है, ये 5 बजे की फिगर है जो मैं पढ़ रहा हूँ। कंगन में 55%, गांधरबल में 46%, हजरतबल में 26%, खानियार में 23%, अबाकदल 13%, लाल चौक 26%, छानपुरा 20%, जेडीबल 27%, ईदगाह 25%, सेंट्रल शार्टेन 24%, हमसा 48%, चरारे 53%, चाडूरा 46%, पंपोर 35%, त्राल 37%, पुलवामा 39%, राजपुरा 42%, शुपया 45%। हर एक जगह पर हमने वोटर्स का एक्सपीरियंस बेटर हो उसके बेसिक फैसिलिटीज रखी थी, जिसमें पानी, बिजली, रैम, व्हीलचेयर की सुविधा है। हर जगह पर कहीं अगर रेन आ गई तो शेड, वरांडा या बहुत सारी जगह पर उन्होंने जो बुजुर्ग महिलाएं पोलिंग के लिए आई थी उनको मदद की। आपने सोशल मीडिया पर पूरे दिन भर देखा है इवन बहुत सारे बुजुर्ग है या जो मान लीजिए 50 की उम्र चले गए हैं अपने अपील में वो कह रहे हैं हमने पहली बार जो है आज वोटिंग की या पहली बार जो है इतना लेबर तरीके से जो है एंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट किया। जहाँ तक नौजवानों की बात है, नौजवान तकरीबन 2 लाख के करीब वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। माइग्रेंट्स के लिए 26 जगह पर स्पेशल पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था की गई थी, जम्मू में 21, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 जगह पर। वहां भी जो पोलिंग परसेंटेज जो रहा है वो भी जो टोटल माइग्रेंट वोटर्स की अगर बात करें तो उसमें कोई एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर इतने ही परसेंट रहेंगे। 5 बजे तक का जो स्टैटिस्टिक था उस हिसाब से तकरीबन 6000 से ज्यादा माइग्रेंट वोटर्स ने अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज किया।
जो स्टैटिस्टिक्स एंड ऑफ द पोल आना है उसकी कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फिगर मेरे पास आ गया है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। ज्वाइंट सीओ साहब आपके पास आ गया होगा तो पढ़ सकते हैं क्या? ज्वाइंट सीओ सबगोत्रा साहब मेरे ख्याल से आपके कोई भी सवाल नहीं होंगे। नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस अलग अलग स्टेक होल्डर्स के जरिए से आ रहे थे, हमने प्रयास किया उनको अप्रोप्रिएट जो भी फैक्ट्स है उसके बेसिस पर सोशल मीडिया पर भी और पब्लिक डोमेन में भी फैक्ट्स डाले। कोई अगर दो चार क्वेश्चन होंगे तो हम जरूर लेंगे। मैं जो है पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, तो जहाँ तक रहा प्रिवेंटिव मेजर्स का, आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर की पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, कैबिनेट के हालात पिछले 3-4 सालों से सुधरे हुए हैं, लेकिन हमें पीसफुल तरीके से इलेक्शंस कराना सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। ना कोई स्टोन पेल्टिंग, ना कहीं बाइकॉट, ना कोई पोलिंग स्टेशन जिसमें 0% पोल हुआ। प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर डेफिनेटली जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज रहती है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेती है, सिर्फ वो लास्ट 42 आवर्स में ही नहीं लेती है, वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले से चालू है। आपने नोटिस नहीं किया होगा, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले से जो भी जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या कोई इंटरनेशनल हिस्ट्री रही है, वही केसेस में जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। नॉर्मली हमने उसमें प्रयास किया कि प्रिकॉशंस बरते ताकि जितनी जरूरत है उतने ही तरीके से जो है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, पीसफुल एनवायरमेंट को कोर कर सके। मैडम स्पेसिफिक इंसिडेंट्स है, मैं आपको फीडबैक लेकर के बता दूंगा। सर कुछ आप जनरल पूछ देंगे तो बेटर आ जाएगा। सर कुछ वीडियोस पॉलिटिकल पार्टीज ने शेयर किए कि वो कह रहे कि पैसे बांटे गए एक बूथ में, बूथ कैप्टन को भी अपोजिट पार्टी नहीं। जो भी कंप्लेंट रहती है हमारा डिपार्टमेंट जो है उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड रख करके जवाब देता है। ओके 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 थैंक यू सर। हमारे पूरा कंडक्ट के 234 कंप्लेंट्स आई थी और 234 कंप्लेंट्स में हमने 11 जगह पर एफआईआर रजिस्टर की, 80 जगह पर हमने नोटिस इश्यू किए हैं, सीजर जो है 10 जगह पर हुए। टोटल सीजर जो है इलेक्शन रिलेटेड या नॉन इलेक्शन के रिलेटेड है, पूरे शेड्यूल्ड पीरियड में मोर देन 40 करोड़ के गए हैं। आपने जो 10 तारीख को मेरे ऑफिस की जो प्रेस रिलीज है उसमें पढ़ा होगा, मोर देन 40 करोड़ से ज्यादा आइदर कैश, लीकर, ड्रग्स, प्रीबीज पूरे एजेंसी में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी में 16 मार्च के बाद अब तक सीज किया। जो आप रिवर्स हेयर कर रहे हैं डेफिनेटली उस पर भी कोई अगर फॉर्मल कंप्लेंट आ जाती तो उसमें कॉम्प्रेंस लिया जाए। या गुड साइड या गुड एरिया परेपुरा, लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम द ईवीएस मशीन्स
एंड जितने भी लोग थे उनका मानना था कि मैन पावर की वजह से डिले रहा और प्रोसेस में जो मशीन थी वो भी बंद रही जिसकी वजह से हम टाइम पे वोट कास्ट नहीं कर सके। जीत योर रिप्लाई। मैं बेसिकली स्पेसिफिक ना देते हुए आपको जनरल ये देता हूँ स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर। मैं सभी को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ आज तक के तीन पोलिंग में सबसे लोएस्ट ईवीएम रिप्लेसमेंट रेट अगर किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा है इससे नगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सबसे हाईएस्ट जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रफली अराउंड रेंजिंग बिटवीन 1.5 to 2% ईवीएम्स मेरी रिप्लेस हुई थी। जहां तक रहा श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का रेशो ये जो है टोटल 18 पर जो असेंबली सेगमेंट्स है 0.14% ईवीएम्स रिप्लेस हुए नॉट इवन 0.5% नॉट इवन 1%। सेम स्टैटिस्टिक्स विथ रिगार्ड टू सीयू and so far as VPAT is concerned 0.7% only VPAT replaced hua koi bhi jagah par kisi karan ye nahi main kehta hu ki replacement ke darmiyan poll rukta nahi hai mera kehna wo nahi hai humne negative side nahi dekhni chahiye ye baat nahi hai lekin positive side bhi nahi bolni chahiye definitely wahan poll ruka hoga lekin wahan jo hai humne जो सब रिजर्व ईवीएम रहती है वो वहां पहुंचाई और उसको जो है पोल कंडक्ट करवाया। अप्रोक्सीमेटली जो है आपको एग्जैक्ट दिया जाएगा क्योंकि स्टैटिस्टिक के साथ काफी डिफिकल्टीज है आप जानते हैं मुझे बयां करने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा कि कंफर्म स्टैटिस्टिक के साथ आपसे बात कर लूं उसमें 4% आप ऐड कर लीजिए जो आगे जो आपको हैंड आउट दिया जा रहा है अभी बाकी होना बाकी है कि चाहे किसी हो पीडीपी जो भी है ये जो वर्कर्स हैं हर्ट किए जा रहे हैं नाम भी उन्होंने मेंशन किए हैं 27 लोगों के जिनको पुलिस ने थानों पे बुलाया है। ये तो आज का फेज था हो सकता है नेक्स्ट में ये कंप्लेंट होगी क्या इसका सोल्यूशन रहेगा और किस हद तक वो कंप्लेंट उनकी सही थी। मैं डेफिनेटली आपको बताने का प्रयास किया जम्मू एंड कश्मीर अभी भी ट्रबल्ड पास्ट हिस्ट्री से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ। यहाँ इलेक्शंस पीसफुल तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके से कराने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। नॉर्मली हमारा प्रयास रहता है कि किसी की क्रिमिनल बैकग्राउंड है एंटी नेशनल हिस्ट्रीज रही है या ओजीडब्ल्यू का कोई रिकॉर्ड रहा है उनको डेफिनेटली पुलिस प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर न सिर्फ इस लास्ट 48 आवर्स में इवन शेड्यूल अनाउंसमेंट होने से पहले से नॉर्मली हम नोटिस करते हैं इस लास्ट 48 आवर्स में मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि पब्लिक कैंपेनिंग बंद हुई रहती है और सोशल मीडिया कैंपेनिंग शुरू हुई रहती है लेकिन हमारा उसमें प्रयास रहता है कि कोई भी ऐसा आदमी डिटेन नहीं किया है जिसके खिलाफ कोई ऐसा पास्ट हिस्ट्री नहीं है नॉर्मली चेक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ब्रॉडर तौर पर हम इसको इंश्योर करते हैं।